एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब, फिर तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई। यानी अब जिस तरह नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि फारूक सत्तार साहब पीएसपी की तरफ जाना चाहे, लेकिन पीएसपी हो या एमकेएम बहादुराबाद हो, दोनों की तरफ जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़े तल्ख जुमले भी एक दूसरे के अगेंस्ट बोल दिए गए, कुछ इशारों कनायों में भी बात हो गई और कुछ एक्सप्रेशन से मीडिया वैसे ही तमाम चीज़ें कैच कर लेता है। तो दोनों की तरफ जाना फारूक सत्तार साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ईजिएस्ट वे आउट क्या है? देखें, मेरा ख्याल है हम सब इस बात पर एग्री कर रहे हैं, रजामंद हैं कि मामलात ओवरऑल एमक्यूएम के लिए बहुत पेचीदा हो गए, यानी बहुत ही सूरत हाल उनके लिए मुश्किल बन गई। अब रास्ता जो भी इख्तियार किया जाए, इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ मामले जो हैं वो इस हद तक यानी सख्त गिर हो गए कि आसानी से एक धड़े का दूसरे के पास जाना आसान नहीं होगा, और अगर मिल भी जाएँ तो मैं समझता हूँ कि जो फासले आपस में इस छोटे से वक्त में बढ़ गए उनको करीब करना कोई आसान नहीं होगा। मैं फिर भी अब यही देख रहा हूँ कि ये शायद दोनों धड़े अपनी अपनी जगह कायम रहें, और जो वोट है एमक्यूएम का वो मुझे मज़ीद तकसीम होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसका फ़ायदा उठाने के लिए पीपीपी अपनी जगह मौजूद है। हाँ, इसका कुछ फ़ायदा पीएसपी को भी होगा क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही उनको जाके ज्वाइन कर चुके, और मज़ीद मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जो आपस में इनका तनाव और टकराव हुआ है उसकी वजह से मज़ीद लोग जो हैं वो पीएसपी की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी तक पीएसपी जब से वो उन्होंने नई जमात बनाई, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है। जो उन्होंने नुक्ता नज़र शुरू से इख्तियार किया वो उस पर कायम है। एक कोशिश भी की गई कि फारूक सत्तार साहब को अपने साथ पीएसपी में शामिल करके उनको मिलाया जाए ताकि एमक्यूएम का एक बहुत बड़ा महाज कराची की सूरत हाल में खड़ा किया जा सके, मगर उसमें वो कामयाब नहीं हुए। नसरुल्लाह मलिक साहब फरमा रहे थे कि अगर फारूक सत्तार साहब हो सकता है पीएसपी की तरफ जाए, तो वो क्या उनकी वही वाली कंडीशन होगी जो पीएसपी की पहले थी कि देखिए एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, एक नाम रखना पड़ेगा, ये एमक्यूएम वाला जो नाम है इसको साइड पे करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर धब्बा लग चुका है? तो क्या यही कंडीशन रहेगी? आपको लगता है दोनों साइड से फ्लेक्सीबिलिटी आ सकेगी कोई? नहीं जी, पीएसपी की तरफ से तो मैं नहीं समझता फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि वो खुलेआम इस चीज़ का ऐलान भी कर चुके थे उस वक्त, जो कि आखिरी औकात में हमने देखा कि फारूक सत्तार साहब उससे पीछे हट गए, और वो तो उससे हरगिज़ नहीं पीछे हटेंगे। क्या फारूक सत्तार साहब को ये जो शर्त है ये मंजूर है? उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए वो भी ज्वाइन करना कोई आसान नहीं है, आपस में इनका मिलना आसान नहीं है। मुझे कम अज़ कम ये तीन धड़े बनते हुए नज़र आ रहे हैं।